लोकसभा चुनाव का खुमार नेताओं के साथ साथ जनता के दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ है। अब तो दो चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 4 मई की वो बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। सबसे पहली खबर, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। लवली ने हाल ही में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और गौरतलब बात यह थी कि 6 दिन पहले ही कह रहे थे कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, दिल्ली में उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। दूसरी खबर, AIMIM ने काराकाट से प्रियंका चौधरी को टिकट दिया है। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह भी मैदान में हैं। इधर पश्चिम बंगाल की पूर्वी मेदिनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो वहीं पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने आज अपना टिकट पार्टी को वापस लौटा दिया है। उन्होंने प्रचार के लिए फंड नहीं मिलने का हवाला दिया। बता दें कि इस सीट से बीजेपी ने संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज गुजरात के बनासकांठा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा अपने भाई को शहजादा कहने पर निशाना साधा और कहा कि ये शहजादा 4000 किलोमीटर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल चले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली और हरियाणा के अपने स्टार प्रचारकों की आज लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को टिकट न मिलने पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी की जो पलायन वाली नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से धीरे धीरे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। एक धड़ा राहुल गांधी का होगा और दूसरा धड़ा प्रियंका गांधी का होगा। तो वहीं ओपी राजभर एक के बाद एक अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं। उन्हें देश का सबसे बड़बोला नेता भी कहा जा सकता है। हाल ही में घोसी में उपचुनाव प्रचार के दौरान ओपी राजभर ने कहा कि दिल्ली वालों ने पूछकर उनके पसंद का विभाग दिया है। वो बोले थे कि कौन सा विभाग लोगे, तो मैंने कहा ये वाला जो मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर चुनाव की बड़ी खबरों के साथ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।